छोटी छोटी चीज है कोई क्या है ये केकड़े हैंगे। अच्छा ये तो बहुत छोटे से नहीं है, ये जमीन में घुस जाते हैं समंदर। भैया लूंडी लफाड़ी है ना, हाँ संडे वाले दिन खास तौर पे यहाँ बहुत ज्यादा। अच्छा 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 अच्छा, पांच बंदे होंगे तो एक बंदे को कितने पैसे देने होंगे? 200 रुपए एक बंदा। बहुत होते हैं, डूबने वाले सीन भी अक्सर हो जाते हैं जून जुलाई में। हम लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, हमारी कोई सैलरी नहीं। अपने चैनल का नाम है सलीम का पाकिस्तान। सलीम का पाकिस्तान, ठीक है। मैं भी पाकिस्तान में रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सलीम रज़ा है और आज के व्लॉग में आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। अभी मौजूद हूँ मैं एक बहुत ही खूबसूरत साहिल समुंदर पे। ये हॉक्स बे की पट्टी है और जहाँ पे अभी मौजूद हूँ मैं, इसे कहते हैं टर्टल बीच। इससे पहले आप दोस्तों ने एक वीडियो हमारी पसंद की और वो मैं जो गया हुआ था सैंड स्पीड पर गया हुआ था, वो भी काफ़ी बेहतरीन साहिल था। लेकिन सैंड स्पीड जो है काफ़ी आगे की तरफ है और ये वाली दूसरी पट्टी है जो हॉक्स बे के नाम से जानी जाती है और ये जगह मशहूर है टर्टल बीच के नाम से। तो आज मैं यहाँ पे दोबारा पहुँचा हूँ आप दोस्तों की फरमाइश के ऊपर और आज आप दोस्तों को मैं ये वाली पूरी पट्टी दिखाऊंगा, लोगों से बात भी करूँगा, उनसे पूछेंगे कि भाई फैमिली के लिए ये जगह कैसी है। जैसे आप दोस्तों को बताया कि कराची में जो पिकनिक का सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है, हर जगह पर हाउसफुल है, तो लोग परेशान हैं कि यार हम करली झील जाएँ, हॉक्स बे जाएँ या सेंट स्पीड जाएँ या कहाँ पर जाएँ। तो आप दोस्तों को मैं इस वीडियो में ये दिखाऊंगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि टर्टल बीच हॉक्स बे वाली पट्टी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आप दोस्तों को अंदाज़ा हो जाएगा। तो आइए फिर जल्दी से आज का मज़ेदार व्लॉग शुरू करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह से शिकार किया हुआ भाई ने, बहुत छोटी छोटी चीज़ें कोई क्या है ये केकड़े हैंगे। अच्छा ये तो बहुत छोटे से नहीं है, ये ज़मीन में घुस जाते हैं समंदर से आते हैं, फिर इसको पकड़ के ना अब बोतल में भरेंगे, फिर इसको घर लेके जाएंगे, बड़े करेंगे इन्हें। अच्छा लेकिन इसमें इसमें ये भी तो मसला है कि ये किसी के ऊपर भी चढ़ सकते हैं, जैसे काटने की चीज़ थोड़ी है, ये केकड़े तो खाए जाते हैं। अच्छा बंगाली लोग खाते हैं, वैसे भी खाए जाते हैं लोग। अच्छा, शौक अच्छा, कहाँ अच्छा। इनको बड़ा करके खाते हैं लोग। अच्छा क्यों ये बहुत नहीं छोटे कछुए तो नहीं है कहीं? कछुए नहीं केकड़े हैं ये। अच्छा कछुए कछुए नहीं, ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा इसके बारे में ज़रा बताएं, कितने बंदे इसमें बैठ जाते हैं आराम से? इसमें 5-6-8। अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा 8, और कम से कम कितने होने चाहिए? 5 बंदे होने चाहिए। अगर 5 बंदे होंगे तो एक बंदे को कितने पैसे देने होंगे? 200 रुपये एक बंदा, ठीक है। और जब 5 बंदे पूरे होंगे तो जब आप आगे लेके जाएंगे? ठीक है ठीक है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं 200 रुपये में आप इसकी राइड ले सकते हैं और बड़ा अच्छा लगेगा आपको, ऐसे आपको सीधा ही आगे तक आका। ये अंदर कितना आगे जाते हैं फिर, कितने किलोमीटर? 2 से 2.5 किलोमीटर। 2 से 2.5 किलोमीटर जाते हैं। मेरा काम है 10-12 साल से ऊपर का। 10-12 साल और यहाँ पे आपका ज़्यादा क्या काम है, हार्ट्स वगैरह देते हैं क्या करते हैं? टेंट देते हैं, हट भी कोई बुकिंग करवा दे, हट वालों को भी हट भी लेके जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये जो टेंट लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये कितने में मिल जाता है कम से कम? कम से कम ये 800-500 में पहले देते थे, अभी थोड़ा महंगाई बढ़ गया है, 200-300 रुपये हम लोग आगे पीछे ये वो बैठते खाना वाना खाते। अच्छा तो उसमें 200-300 रुपये लग जाते, कम से कम 800-1000-1200 में भी देते हैं, 1500 में भी देते हैं। कम से कम 800 से शुरू हो जाता है और 1500 तक जाता है फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है जी भाई। सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को बताएं ये साहिल कैसा है, यहाँ पे फैमिलीज आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? माशाल्लाह यहाँ पे फैमिली भी आनी चाहिए इस सीजनों में, अप्रैल में और मई के महीने में, इससे अगला महीना आ जाए जून जुलाई, और जुलाई जून जुलाई अगस्त से 3 महीना काफ़ी तेज़ होता है समंदर। अच्छा हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करते हैं अपने इंसानियत के तरफ से, हमारी कोई सैलरी कोई महकमा नहीं है हमारी। आपको कोई पैसे नहीं मिलते? नहीं कोई हमें पैसे नहीं मिलते, हम लोगों के पास लोगों बड़े बड़े लोग आते हैं उन लोगों के पास 100-100 मांग के अपना दिहाड़ी निकालेंगे। और एक किसी का बच्चा भी गए, अभी 2 बच्चे और भी गए हमारे हाथ में नहीं आया, सिर्फ ये बच्चा हमारे हाथ में आया। तो ये बच्चा कहाँ से मिला है? ये बच्चा तकरीबन 1.5 किलोमीटर इस तरफ मिला है, इतनी रश में, आप काफ़ी रश भी देख रहे हैं माशाल्लाह, रश भी बहुत है माशाल्लाह। अच्छा। ये बच्चा 1.5 किलोमीटर आगे हम लोगों को मिला है। अच्छा तो अभी तक पता चला नहीं कौन इनके माँ बाप नहीं, इस तरफ पता चला ये 0.5 किलोमीटर इस तरफ है, 1.5 किलोमीटर हम लोग आए हुए हैं और 0.5 किलोमीटर फिर भी इनकी फैमिली की जगह है, वो वहीं से ढूंढ रहे हैं, मगर ये बच्चा हम लोगों को इस तरफ से मिला। अच्छा ये है टर्टल बीच, बहुत ही खूबसूरत साहिल है और आप दोस्तों को मुकम्मल यहाँ की जो मालूमात है वो दूंगा और पूरी ये पट्टी जो है ना आप दोस्तों को दिखाऊंगा, वहाँ से ये टर्टल बीच जो है शुरू हो रहा है और ये पट्टी है इससे सीधा उस साइड पे जा रही है।
तो ऐसे आगे की तरफ मैं चलूँगा और आप दोस्तों के साथ यहाँ के जो मनाजिर हैं वो शेयर करते हुए चलूँगा। ये देखें, ये आप पानी की कंडीशन देख सकते हैं। कैसे हैं आप? सुनाए, हो रहा है इंजॉय? हो रहा है? बहुत इंजॉय हो रहा है। कैसे हैं? ये सामने आपको शायद नज़र आ रहा होगा, वो जा रही है। आप इस बीच पे अगर आते हैं तो इस तरह की कश्तियों में आप बैठ के भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पानी का बहाव बहुत तेज है। अच्छा, आप लोग अपनी सेफ्टी कर रहे हो ना? हाँ। ज़्यादा आगे नहीं जाना है? हाँ। ठीक है जी। देखें, सलीम का पाकिस्तान। हाँ, तेज़ हो गया अभी, जैसे जैसे शाम होती जाएगी ये पानी और तेज़ होगा और काफ़ी लहरें जो है ना ऊँची होती जाएंगी, तो इसलिए कोशिश करेंगे यहाँ से 5-5:30 बजे के बाद यहाँ से जो है चले जाना चाहिए। और यहाँ पे जो लाइफ गार्ड वगैरह हैं वो भी यही कहते हैं कि 5 बजे के बाद जो है यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है समुंदर काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है 5 बजे के बाद। तो 5 बजे तक ठीक है, 5 बजे तक ठीक है, उसके बाद बिल्कुल भी सही नहीं है, सेफ नहीं है ये। कैसे हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले बताएं कैसा लग रहा है साहिल पे? अच्छा, ये जगह जो है फैमिलीज के लिए कैसी रहेगी? फैमिलीज के लिए कोई इशू तो नहीं होता यहाँ पे? फैमिलीज के लिए देखे जो है ना, मैं के दिनों के फैमिली के लिए यहाँ थोड़ा मसाइल होते हैं कि भाई यहाँ लोंडे लफाड़े जो है ना, हाँ, संडे वाले दिन खास तौर पे यहाँ बहुत ज्यादा। अच्छा 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 अच्छा। फैमिली के हवाले से जो है आम दिन जो है आम डे वो बेहतर रहते हैं। संडे को ना आए? संडे को आना बेकार है, क्योंकि आप देख रहे हैं संडे को लड़के ज्यादा होते हैं यहाँ पे ना। आपके चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है सलीम का पाकिस्तान। सलीम का पाकिस्तान, ठीक है। मैं भी पाकिस्तान में रहती हूँ। ये देख सकते हैं जी, ऊंट सवारी भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फुल इंजॉयमेंट हो रहा है, बच्चे फैमिली सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आराम से लोग यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखें जी, यहाँ पे शपाटर लड़के। वालेकुम अस्सलाम। ये सारे शपाटर लग रहे मुझे, सारे शपाटर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज दें? अच्छा सा मैसेज ये है कि हमारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके चैनल को मतलब देखा करें, ये अच्छी अच्छी चीज़ें गाइड करते हैं लोगों को, सही है अपनी लाइफ की, मतलब बहुत सारी इंजॉयमेंट देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इस भी बहुत खुशी हुई इनसे मुलाकात करके, हमने भी इनका बहुत मतलब सपोर्टेड में इनके भी हम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत यहाँ पे तमाम नाज़रीन को वेलकम बैक कहता हूँ। तो आज मैं आया हुआ था हॉक्स बे की पट्टी टर्टल बीच पे, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स थे जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो आज का व्लॉग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, बहुत जल्दी अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।